स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल स्टडी अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन स्टैटिक चार्ज। इसमें सबसे पहले कुलाम के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। कुलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इन दोनों कथनों के अनुसार F इक्वस टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर या F बराबर K क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ K स्थिर विद्युत नियतांक है जिसका मान 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। यहाँ कूलम के नियमानुसार बल का मान जितना ज़्यादा आवेशों का गुणनफल होगा उतना ही ज़्यादा होगा और बल का जो परिमाण है उनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल का परिमाण उतना ही कम होगा। यहाँ अगर दोनों आवेश धन आवेश है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और अगर दोनों ऋण आवेश है तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो आकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात अगर आवेशों की प्रकृति समान है तो प्रतिकर्षण बल होगा और आवेशों की प्रकृति विपरीत है तो आकर्षण बल होगा। इफ द नेचर ऑफ चार्जेज आर सेम इन दैट कंडीशन फोर्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स विल बी रिपल्सिव एंड अपोजिट नेचर चार्जेज विल अट्रैक्ट। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह दूसरा आवेश बल का अनुभव करे उस क्षेत्र को उस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज फोर्स पर यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। परिभाषा के अनुसार ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। F दो आवेशों के मध्य F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का अगर हम इसमें लगाएं तो K बराबर F बराबर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार E बराबर F अपॉन Q0। तो F का मान K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0 देन E इक्वल्स टू K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बल के अनुदिश होगी जैसा कि परिभाषा में है। एज पर डेफिनेशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर धन आवेश है और धन आवेश के पास में उसको लेके आते हैं तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा जिसके कारण बल की दिशा बाहर की ओर होगी और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिसके कारण बल की दिशा अंदर की ओर होगी। अर्थात एक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। धन्यवाद।